लर्निंग सेंटर जिसमें आज हम छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि एक वचन और बहुवचन में वो कैसे अंतर कर सकते हैं, कैसे उनके लिखने में अंतर होता है। जो बच्चे समझ नहीं पाते, बड़ी क्लास तक जाते हैं तभी उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप शुरुआती से ही बच्चों को एक वचन और बहुवचन लिखना और पढ़ना और समझना सिखाएंगे तो बच्चे जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आज हम अपने वीडियो में एक वचन और बहुवचन लेकर आए हैं जिसे आप जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो डालें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए सीखते हैं कि बच्चों को कैसे एक वचन और बहुवचन बता सकते हैं। हेलो बच्चों, आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे? एक वचन और बहुवचन। जैसे नाम से होता है, एक वचन यानी एक चीज के लिए जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। यानी एक संख्या को हम एक वचन और एक से अधिक संख्या को हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, चित्र में जो है यहाँ पर सिर्फ क्या है? एक पेंसिल। एक पेंसिल को हम क्या बोलेंगे बच्चों? मैंने बोला ना, एक चीज के लिए हमेशा होती है एक वचन। एक चीज के लिए क्या होगी? एक वचन। एक वचन। और यहाँ पे बहुत सारी पेंसिल है, 1, 2, 3, तो एक और क्या होगी यहाँ पे? बहुवचन। जब हम एक से अधिक चीजों के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं? बहुवचन। बहुवचन। तो एक के लिए, अब ये क्या है बच्चों? सिर्फ एक किताब है तो यहाँ पे क्या होगा? एक किताब एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है। एक वचन। और बहुत सारी जब हमारे पास किताब होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुवचन। बहुवचन। अब यहाँ पे क्या है? एक स्टार है ना, तो क्या होगा यहाँ पे? एक वचन। एक के लिए हमेशा एक वचन और बहुत सारों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ देखिए ढेर सारे स्टार है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुवचन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 टॉफी है तो क्या होगी? 1 टॉफी एक वचन। और ढेर सारी टॉफी तो क्या हो जाएगी? बहुवचन। तो इस तरह आपने सीखा, जब हम एक चीज की बात करते हैं तो वहां एक वचन होती है, जब हम एक से अधिक चीज के लिए बात करते हैं तो वहां क्या होता है? बहुवचन होता है। तो चलिए अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे और भी। तो बच्चों देखिए, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? खाली स्थान में बहुवचन लिखिए। यानी मैंने यहाँ पे एक वचन लिख दिया है और ये दिया हुआ है जिसके सहायता से आप बहुवचन लिखिए। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, पढ़ो पहले, एक केला। एक केला क्या है बच्चों? एक वचन। और जब फिर दो केला हो जाएगा, एक पहले एक केला है तो क्या होगा? एक वचन। जब हमारे पास दो केला हो जाएगा, ये जैसे लिखा हुआ है, दो केला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? केला क्या हो जाएगा? केले हो जाएगा। यानी दो केले। एक केला बहुवचन में हो जाएगा, दो केले। अब जैसे ये बच्चों एक पेंसिल, और फिर अगर आपके पास 6 पेंसिल हो जाएंगे तो क्या होगा? 6 पेंसिलें। क्या हो जाएगा? 6 क्या हो जाएगा? पेंसिलें। ला में क्या लग जाएगा? मात्रा लग जाएगी एक ही। 6 जब हो जाएंगे तो ये तो 6 पेंसिल हो गया। क्या है बच्चों? ये तो सिर्फ एक वचन है। हमें बहुवचन के बनाने के लिए हमें इसमें ला में एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 पेंसिलें। ये क्या है बच्चों? एक छाता। यानी आप एक छाता की बात कर रही है, लेकिन यही आपके पास जब 5 छाता होती है तो हम क्या लिखेंगे? 5 क्या हो जाएगा? छाता को क्या हो जाएगा? छाते। छाता का क्या हो जाएगा? छाता। ते, ता में एक ही मात्रा। अब यहाँ है एक बेटा, यानी एक वचन। जब 3 बेटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 बेटे। मेरे पास 3 बेटे हैं। जैसे यहाँ के एक टॉफी, तो जब हमारे पास और ढेर सारी टॉफी हो जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे? टॉफी थोड़ी ना बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? 3 टॉफियां। तो टॉफियां, इसमें देखिए क्या करेंगे, पहले हम इसमें मात्रा को चेंज कर देंगे, बड़ी की मात्रा लगाएंगे, 3 टॉफियां। तो इस तरह आप समझे, एक वचन में हम एक वचन से बहुवचन बनाने में कैसे हमें लगता है, जैसे
केला और फिर केले बहुवचन में, पेंसिल फिर क्या हो जाएगा पेंसिले, छाता छाते, बेटा बेटे, टॉफी टॉफियां। चलिए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो बच्चों देखिए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, एक वचन और बहुवचन पहचान कर लिखिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ एक की बात होती है वहाँ क्या होता है एक वचन, जहाँ एक से अधिक की बात होती है वहाँ क्या होता है बहुवचन। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे क्या है बच्चों, चार चूहे, कितने चूहे की बात हो रही है, चार चूहे, यानी चार चूहे क्या हो गए बहुवचन, बहु वचन। आगे देखेंगे एक मोर, कितने मोर की बात हो रही है, सिर्फ एक मोर की, तो यानी क्या हो गया यहाँ पर एक वचन। और यहाँ क्या है अनेक तारे, बहुत सारे तारे, जब अनेक तारे होते हैं तो क्या वहां क्या होता है बहुवचन। यहाँ पे क्या है, किसकी बात हो रही है, एक लड़का, सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है, तुम्हारा क्या होगा बच्चों एक वचन। और यहाँ क्या है पांच बिल्ली, यानी पांच बिल्लियों की बात हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे बहुवचन। ये क्या है बच्चों, सिर्फ एक कमरा, एक कमरा क्या है एक वचन। और यहाँ क्या तीन तोता, यानी तीन तोते की बात हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे बहुवचन। हो गए बच्चों आपके एक वचन और बहुवचन, आपको समझना है एक वचन यानी एक, जब चीजें होती है जैसे एक मोर, एक लड़का, एक कमरा, जहाँ एक की बात होती है वहाँ एक वचन होता है, और जहाँ बहुत सारे एक से अधिक की बात होती है वहाँ क्या हो जाता है बहुवचन हो जाता है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने बच्चे के को पहले एक वचन और बहुवचन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप उन्हें लिखना सिखाएं कि किस प्रकार, जैसे एक वचन में केला तो बहुवचन में हम किस प्रकार केले लिखते हैं, इसी प्रकार से अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।